बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये कोरोना वायरस के हवाले से आपसे मुसलसल बातचीत होती रही है। इसका हमला बड़ा शदीद रहा, मगर ये कि जिस तेज़ी से हम उसको बढ़ता देखने का इम्कान था, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिन खदशात का इजहार किया था, उससे अल्लाह के फजल से थोड़ा सा कम है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलैक्स कर जाएं और आप जो एहतियाती तदाबीर आपको कही थी उसमें कमज़ोरी करें, क्योंकि मेरा ख़्याल ये है कि ये पाकिस्तानियों की जो तैयारी थी, जो एहतियाती तदाबीर अख्तियार की थी, जो समाजी फासलों के साथ हमने एक दूसरे के साथ राबता रखा था, ये उसी की वजह से जो ग्राफ है इसके बढ़ने का वो इतना तेज़ नहीं है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये तजुर्बे के एतबार से आपकी कामयाबी है। इसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, रिलैक्स नहीं हो। मुझे ये पता चला कुछ ख़बरें ऐसी आईं कि लोगों ने बाज़ारों के पास वैसे ही रुख किया जिस तरह से पहले रखते थे, तो उसमें ऐसा ना करें, ज़रूरत के एतबार से जाएं। उसके अलावा इसके अंदर कोई ऐसा काम ना करें कि आपकी ज़िंदगी और आपके घर वालों की ज़िंदगी किसी न किसी अंदाज से ख़तरे में पड़े। कोशिश ये है कि जितने कम लोग इससे बीमार होंगे उतनी ही जल्दी कौम निकलेगी, और अगर शुरू में बद एहतियाती कर ली तो निकलने में मज़ीद देर हो जाएगी। तो ये जो रिव्यू हुकूमतें बार बार करेंगी, फेडरल गवर्नमेंट भी और सूबाई हुकूमतें भी, के लॉकडाउन की मुख्तलिफ़ कैफियत को कितनी देर तक जलाया जाए, इसका इस बात पर इन्हिसार है कि आप कितनी एहतियाती तदाबीर रखें। तो हाथ धोना, चेहरे को हाथ ना लगाना, ये बहुत ज़रूरी, और मास्क पहनना, ये तीन चार चीज़ों को मैं याद दहानी कर रहा हूँ। हालांकि सर्वे के मुताबिक 85% लोगों को अब पाकिस्तान में इस बात का इल्म है कि इसमें एहतियात कैसे करनी है, तो लिहाजा वो एहतियात आप जारी रखें। दूसरी बात ये कि मैं इस वक्त मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे हेल्थ वर्कर जो हैं, सेहत के जो हैं, नर्सें हैं, डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, अस्पतालों का स्टाफ है, जो लोग वॉलंटियर के तौर पर निकले हुए हैं, जो लोग कार्य खैर के एतबार से चीज़ें खाने पीने का राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं सारी हुकूमतों को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि सब सूबों में बेहतरीन काम करने की हमने कोशिश की है, और ये जो कार्य खैर का 1,20,00,000 लोगों को एहसास प्रोग्राम के तहत जो रकम जा रही है, उसके अंदर ये भी एहतियात कर लें जिन जिन लोगों को रकम मिल रही है कि वो इसको कुछ अरसा 2-3 महीने चलाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह का फजल व करम हम पर होगा, हम अल्लाह से माफ़ी के ख्वास्तगार हैं, अल्लाह ताला का हम पर रहम आएगा, तो ये जल्दी हम इस वबा से इंशाअल्लाह निकल जाएंगे। तो ज़रा सा उसके अंदर भी किफ़ायत से काम लेते रहें। तीसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि इस बात में आजकल हुकूमत डिस्कशन कर रही है कि वो देखो पाकिस्तान की ताकत क्या है। पाकिस्तान की ताकत ये है कि हम गल्ला अपना खुद बनाते हैं, हम अपना जो खाते हैं वो खुद पैदा कर लेते हैं, तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि इस सेक्टर के अंदर आसानी रखी जाए ताकि लोग फसलें काटें और उनका ज़खायर जहाँ ज़खीरा करने की ज़रूरत है वहाँ तक उसकी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़रा सी ढील रहनी चाहिए, और इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब चाह रहे थे कि रोज़ी के हवाले से कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर भी थोड़ी सी ढील आनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ ये एक बैलेंस है कि कितना बंदिश करें और कितनी ढील दें कि बीमारी और वबा फैले नहीं, और ये बंदिश का फैसला कब कितना कहाँ किया जाए इस पर आप हुकूमत पर भरोसा कीजिए। उलमा ने भी एक अच्छा मशवरा दिया था कि मसाजिद के अंदर नमाज फ़र्ज़ नमाज के हवाले से 3 से 5 की हिदायत की थी, और फ़र्श धोने का और दरी पर नमाज ना पढ़ने का और कालीन पर ना पढ़ने की बात की थी। मैं उनका भी मशकूर हूँ। इंशाल्लाह हफ्ते को दोबारा उलमा के साथ गुफ्तगु होगी, इसलिए कि रमज़ान आ रहा है, बाबरकत महीना हमारा आ रहा है, जिसके अंदर लोग कार्य खैर और ज़कात के हवाले से, मैं लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि जो मसाजिद के ज़रिए कार्य खैर और ज़कात का अहतमाम करते थे वो करते रहिए। मदारिस के तुलबा भी हैं और मसाजिद की अपकीप भी होती है, वो इसी अंदाज से होती है, तो उसके अंदर आप जारी रखिए। इंशाअल्लाह हफ्ते को उलमा के साथ मिलकर कोई आपके लिए मशवरे का तयन करेंगे, और हुकूमत के साथ भी इस बात की आगही होगी। एक अच्छी बात और हो गई कि टेलीविज़न पर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक क्लासें भी शुरू हो गई। अच्छा, ये क्लासें सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होंगी।
पहली क्लास से 12वीं क्लास तक ये इसमें निसाब के एतबार से वहाँ सबक आएंगे। और वो मैं इतनी अच्छी बात है कि घर बैठे बैठे माँ बाप को भी वक्त मिल जाएगा कि अपने बच्चों के साथ बैठकर तालीम के ऊपर वो वक्त सर्फ करें जो आप उम्मीद करते थे कि स्कूल के असातिज़ा इस बात को पूरा करेंगे। तो बड़ा अच्छा वक्त है कि तालीम के साथ साथ तरबियत की भी मोहलत मिल गई। और इंशाअल्लाह मुझे कवी उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर जो आप लोगों ने किया है, आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी वजह से इस वबा के हवाले से मुकाबला हमारा सही जा रहा है। और अल्लाह ताला से माफ़ी के ख्वाहिशगार हैं, दुआ कर रहे हैं कि ये जल्दी से इस आफत से हमें निजात मिल जाए। शुक्रिया।